आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, आगामी 12 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी, ये दशमी गंगा दशहरा के रूप में मनाई जाती है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है? बहनों भाइयों, इसी ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ही स्वर्ग से गंगा का अवतरण भागीरथ की तपस्या के उपरांत स्वर्ग से गंगा का अवतरण इसी तिथि को हुआ था। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस वर्ष 12 जून को उसी तरह की स्थितियां हैं जिस तरह की स्थितियों में गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर लोगों के कल्याण के हेतु से हुआ था। अगर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को बुधवार का दिन हो, जो इस वर्ष है, हस्त नक्षत्र हो, जो इस वर्ष है, व्यतिपात योग हो, जो इस वर्ष है, और कन्या का चंद्रमा जो इस वर्ष है, तो एक महाशुभ योग होता है। और ऐसी ही स्थितियों में गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था। बहनों भाइयों, संसार में व्यक्ति के पाप दो ही चीजों से कटते हैं, एक गंग से और दूसरा सत्संग से। गंगा जीवनदायिनी है, गंगा पुण्य प्रदायिनी है, और गंगा के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। निरंतर अवहेलना हो रही है हमारे कर्तव्यों की। गंगा को हम लोगों ने वैसे तो भले ही मानते हों, लेकिन समाज की जितनी गंदगी है वो हम सब गंगा पर आरोपित कर रहे हैं, गंगा में फेंक रहे हैं। सरकार ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है गंगा के शुद्धिकरण की, लेकिन जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा गंगा निर्मल नहीं हो पाएगी। गंगा हमारे पाप धोती है। और इस दशमी तिथि को गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। दशमी तिथि को माता गंगा का पूजन करना चाहिए, भागीरथ का स्मरण करते हुए उनका पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, और दशाश्वमेध घाट में तो गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। आप हो सकता है कि ऐसी जगह पर हों जहां गंगा ना हो, तो आप माता गंगा का स्मरण करके उस दिन स्नान करिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐसी भावना करें कि उस जल में गंगा जी आ गई हैं, उनका आवाहन करिए और उसके बाद स्नान करिए। बहनों भाइयों, इस दिन के गंगा स्नान से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 10 प्रकार के पाप कौन से हैं? 3 तरह के पाप कायिक माने जाते हैं, 4 तरह के पाप वाचिक माने जाते हैं, और 3 तरह के पाप मानसिक माने जाते हैं। गंगा दशमी वाले दिन, गंगा दशहरा वाले दिन गंगा का स्नान जरूर करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य भर पूर्ण रूपेण भाव से दान करना चाहिए। इस दिन अहंकार से दूर रहना चाहिए, दुराचार से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इस गंगा दशमी को आप लोग शपथ लें, पूरे
विवेक से, पूरी बुद्धि से और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ कि गंगा को अपवित्र नहीं होने देंगे, गंगा में अपद्रव्य नहीं बहाएंगे और गंगा के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने की स्थितियां हमें तो कर देंगे। बहनों भाइयों, आत्मा जिस शरीर में रहती है उस शरीर से उसका बंधन हो जाता है, मृत्यु के बाद वो आत्मा उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। हमारे यहां की सनातन परंपरा में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता था और उसके बाद उसकी राख को गंगा में प्रवाहित किया जाता था। जब शरीर की राख गंगा में प्रवाहित होती थी तो आत्मा का उस शरीर से बंधन टूटता था, शरीर का गंगा से स्पर्श होकर के आत्मा परितुष्ट हो जाती थी, संतुष्ट हो जाती थी और ऐसी मान्यता सदैव से रही है। जिस शरीर का गंगा मृत्यु के बाद गंगा से सानिध्य नहीं हो पाता है वो आत्मा भटकती रहती है, ऐसा माना जाता है। तो गंगा हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक है और गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारी सभ्यता है, गंगा है तो हम हैं। जिस दिन गंगा नहीं रहेगी हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहनों भाइयों, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विधिवत पूजन करें माता गंगा का। ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण्य दशहराय गंगाय नमः। इस मंत्र का जप करके आप उनका स्मरण करें। ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं वाक् काम मायामयी हीली हीली मिली मिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़ते हुए पांच पुष्प माता गंगा को समर्पित करना चाहिए। अब मंत्र नहीं आता है तो क्या आप समर्पण नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं। देखिए, भगवान भाव के भूखे हैं। आप पूरे मनोभाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से माता गंगा का पूजन करते हैं। मंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन मंत्र नहीं आता है तो आप पूजन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप नाम मंत्र से पूजन कर ले। ओम गंगा देव्यै नमः, इस मंत्र का जप करते हुए उनका जितना अच्छे से अच्छा पूजन कर सकते हो, पंचोपचार पूजन कर सकते हो, खोडसोपचार पूजन कर सकते हो, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। भागीरथ का ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें और माता को नैवेद्य जरूर चढ़ाएं। माता गंगा को नैवेद्य में क्या चढ़ाना है? सत्तू लेकर के और उसको देसी घी से मिश्रित करके और उसमें गुड़ मिला करके ये पांच पिंडियां बना करके और माता गंगा को अर्पित करें। बहनों भाइयों, गंगा के जल में सीधे प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये अवैज्ञानिक भी है और अनैतिक भी है। गंगा में जब भी आप स्नान के लिए प्रवेश करें तो पहले किनारे पर बैठ करके माता गंगा का ध्यान करें, उनके जल को लेकर के अपने माथे में स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें और उसके बाद गंगा में प्रवेश करें। गंगा के किनारे रहने वालों में मैंने देखा है कि वहाँ कपड़े भी धोते हैं, शौचादि भी जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए।
गंगा को गंगा की तरह मानना चाहिए, माता की तरह मानना चाहिए। अब जब आप बच्चे होते हैं तब तो माता के ऊपर कुछ भी कर दे, पेशाब भी कर देते हैं छोटे बच्चे शिशु जो होते हैं, माता बुरा नहीं मानती। लेकिन अगर कोई एक बड़ा समझदार व्यक्ति इस तरह की गलती करे तो वो क्षम्य होती है क्या? वो क्षम्य नहीं हो सकती। तो बहनों भाइयों, गंगा का ध्यान करें, पूजन करें और ये मान करके चलें कि गंगा हमारे लिए प्राणदायिनी है। दान करें जो भी आपका सामर्थ्य है। वैसे 10 किलो की मात्रा में दान करना चाहिए और 10 ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। 10 किलो गेहूं का अगर दान करेंगे आप 10 ब्राह्मणों को, आपका सूर्य आपको बहुत सपोर्ट करेगा, माता गंगा तो सपोर्ट करेंगे ही, भगवान शिव सपोर्ट करेंगे। तिल का दान करें, ये भी 10 किलो तिल लेकर के आप 10 ब्राह्मणों को दे दें। आप जानते हैं कि तिल से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आप 10 किलो जौ, इसका भी दान कर सकते हैं। जौ राहु की शांति के लिए दान किया जाता है और यही ग्रह ज्यादा पीड़ित करते हैं व्यक्ति को। दान करेंगे आपका कल्याण होगा। गंगा स्नान करें, पूजन करें और ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और पापों से निवृत्ति होगी और अथाह संपत्ति का लाभ भी मिलेगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।